जेके न्यूज़ टुडे देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी मतलब जगती टाउनशिप में मौजूद है और कल 19 जनवरी है और कल जो है एक्सोडस डे है, मतलब कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो है इस दिन को 19 जनवरी के दिन को काले दिन के रूप में मनाता है। काले दिन के रूप में क्यों मनाता है आपको बताएं कि 89 में जब कश्मीरी पंडित जो हैं विस्थापित कश्मीरी पंडित जब विस्थापित हुए थे जम्मू में या अलग अलग जगहों में, तो वो कुछ डेट्स थी और उन डेट्स पर जो है वो ब्लैक डे जो है वो मनाया जाता है। और कल 19 जनवरी है, एक्सोडस डे है, जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय हर साल 19 जनवरी को जो है उसको ब्लैक डे के रूप में काले दिन के रूप में मनाता है। तो आज हम जगती टाउनशिप में जाएंगे और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे आखिरकार 89 में जब वहाँ पर जो वारदातें हुई थी क्या कुछ हुआ था, कैसे उन्होंने जम्मू की तरफ प्लान किया और क्या कुछ उस टाइम जो है वो दिक्कतें हुई, क्या कुछ उस टाइम जो है वहाँ पर हालात बने और क्या कुछ उन्होंने जम्मू में आकर जो है स्ट्रगल किया। अभी फ़िलहाल अगर बताएं तो रिलीफ तो कश्मीरी पंडितों को मिलता है, हर महीने मिलता है और जगती टाउनशिप में जो है कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट्स जो है स्पेशली कश्मीरी पंडितों के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन ये 19 जनवरी का दिन ये वो दिन है जिसको कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो काले दिन के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन जो है 89 में जो है कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो अपना घर बार छोड़कर जो है जम्मू की ओर जो है वो पलायन हुए थे। क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ सहा उन्होंने और क्या कुछ हालात थे उस समय कश्मीर घाटी में, आज वही सुनने के लिए इन कश्मीरी पंडितों से बातचीत करेंगे हम लोग। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ख़बर को लेकर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर कोई यहाँ पे आया, हर किसी ने यही कहा कि हम देखते हैं कि आपको मुसीबत है, लेकिन उनको उनको मन की आंखों से नहीं दिखाई दिया, वो उन्होंने इन आंखों से देखा लेकिन मन से किसी ने नहीं देखा। हमारे लिए 33 साल से काला दिवस ही है, क्योंकि हमें जेनोसाइड की वजह से और भारत माता के जय बोलने वालों को इतना जुल्म हुआ कि हम उस वक़्त सेक्रीफाइस के वो बोलते हैं बकरे बनाए गए। और हॉलोकॉस्ट डे जो रहा सवाल 19 जनवरी का, ये हमें नहीं लगता है कि किसी एक ग्रुप ने ये हॉलोकॉस्ट डे डिक्लेयर किया जिसके समर्थन में हमें काला दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काला दिवस हम मनाते आ रहे हैं। कम से कम जिस कल ब्लैक डे है। दूसरी बात यह है कि मेरी बहन को उग्रवादी ने मारा वहाँ पर 90 में, जीजे को मेरे को मारा 90 में। अभी गवर्नमेंट टस से मस नहीं होती है, हमारा कोई कुछ नहीं है, कश्मीरी पंडित बर्बाद कर दिया उन्होंने। और मेरे बेटे की डेथ हुई है एक्सीडेंट से पिछले साल, एक्सीडेंट से 29 साल का बेटा था, मेरा घर बर्बाद हो गया और कोई कुछ नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं हमारे बारे में सोच रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं हमारे कश्मीरी पंडितों के बारे में सोच रही है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। हमारा बच्चा अगर किसी जो टोटली डिपेंडेंट है अपॉन गवर्नमेंट कैश असिस्टेंस, अगर उसके बच्चे को मन करता है चॉकलेट खाने का, पहले वो 10-12 थप्पड़ खाता है, फिर उसको उधार लेने जाना होता है किरियाने के स्टोर पर, चॉकलेट एक दे दो फिर जब रिलीफ आएगी मैं आपको पैसे दे दूँगा, तो इससे बदतर क्या है। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि 19 जनवरी एक आदमी का नाम पर चल रहा है, जबकि पूरे कौम जो है त्राही त्राही कर रहा था 1989 में और 90 में। जबकि मैं कहता हूँ, अगर आपको मनाना चाहता, आपको वंदामा का दिन मनाना चाहता, आपको जो है
छत्तीस सिंह पोरा का दिन मनाना चाहता, आपको खाली एक पर्टिकुलर जो कि एक पॉलिटिकल आदमी के नाम पर जो है आपको कोई दिन नहीं मनाना चाहता। और अगर आप मना ही रहे हो तो मुझे ये बताइए, आप जब तक 2010 तक 2011 तक जब तक हमारी बीजेपी सरकार आई थी उससे पहले जब ये कंटिन्यू मना रहे थे, उसके बाद ये दफन कहाँ गया? 19 जनवरी 1990 ये दफन कहाँ हो गया? और आज क्या ज़रूरत पड़ गई? अब चूँकि 2024 का इलेक्शन है फिर जो है आज कश्मीरी पंडित को बेच रहे हैं, ये टोटल फ्रॉड है सिस्टम। इनसे जो है हम लोग जो है और फिर जो है एक्सपोज हो रहे हैं, चूँकि हम तो अब भगवान से यही कहते हैं कि हमारी जो है अंतिम जो हमारी यात्रा है वो हमारे अपने वतन में हो जाए। हम नहीं चाहते अब किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना, चूँकि 1990 से लेकर आज तक जो हम पे खाली सियासत की गई और कुछ भी जो है नहीं मिला। जबकि आप देख सकते हैं कि एक ही आदमी नहीं, 19 जनवरी कोई आदमी जो मर गए, जिसकी किलिंग हुई है, जो शहीद हुए, उसके बाद इतने लोग मरे, क्या उनका कहीं पर नाम है? उनका कहीं भी किसी पट्टे पर नाम है? और अगर ये चल रहा था 2011 तक, उसके बाद ये कहाँ गए? और जो टीमें इनके थे, जितने भी हमारे कौम के टीमें थे, जो बड़े सो कॉल लीडर जो बैठे हमारे कौम में, वो कहाँ आज के डेट में? और इतना ही नहीं, जब हमारी किलिंग जो अभी जो 2022 में जो कश्मीर में हुई है, जो कश्मीर फाइल के बाद जो कश्मीर में जो किलिंग हुई है, उसके वो दिन क्यों नहीं मना रहे हैं आज के डेट में? लेकिन वो नहीं मनाएंगे, क्योंकि फिर वही चीज़ जो है जो 1990 से लेकर आज तक जो कश्मीरी पंडितों को जो बड़े बड़े स्टारों पर, जो बड़े बड़े प्लेटफार्मों पर जो है बेचा बाय द नेम ऑफ वोट, या आज भी वही हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष में अपील करना चाहता हूँ, अगर ये 19 जनवरी है तो बाकी दिन कौन मनाएगा? बेगुना टारगेट किया गया कश्मीरी पंडित को सिर्फ इसलिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारे लिए मौत का सबब वहाँ बन गया। मैं आपको कितने काउंट करूँगा, मेरे क्लासमेट ही 3-4 मारे गए, बिल्कुल इनोसेंट, जिनका कुछ नहीं लेना देना था इसके साथ, वो मार दिए गए, सिर्फ ये कश्मीरी पंडित है और हिंदुस्तानी है। बाकी जो हॉलोकॉस्ट डे मनाने वाले हैं वो कहाँ है आजकल? उनको अब प्रथा जो उन्होंने स्टार्ट किया था हॉलोकॉस्ट डे, जब 10,000 लोग पुल पर थे तभी पुल बंद किया था, उस वक्त की और आज की जो राजनीति है उन हॉलोकॉस्ट मनाने वालों के बारे में, वो कहाँ गायब हो गए? आज अब खालिस वो अपने आप को ये बोलने के लिए कि हम भी जिंदा हैं, हॉलोकॉस्ट डे को जिंदा रखे हुए हैं, और हमारे लिए 33 साल से हर एक दिन हॉलोकॉस्ट डे ही है। तो तब सरकारी कहाँ थी? से मस नहीं हो गई तब की सरकारी, आज कैसे मिलिटेंसी अब करूब में, आज कैसे कंट्रोल में है मिलिटेंसी? आज हमारे बच्चे वहाँ नहीं ये जॉब कर रहे हैं, आज हम ओपनली जाते हैं वहाँ पे आते, मगर जाना क्या कर, हम ऐसे टूरिस्ट जाते हैं, 2-4 दिन के लिए चले गए, देखा जो हमारे मंदिर तोड़े हुए थे उनको देख रहे हैं, या कोई टूरिस्ट प्लेस होगी वहाँ पर जाके फिर मुड़ कर वापस आती है, बैठने की जगह ही नहीं कहीं। आज तो वो थाट ही नहीं है कि कोई मुझे मारेगा, आज वो बात ही नहीं है। तो यही अगर सरकारों ने पहले किया होता 90 से 95 तक, जब उन्होंने सरकार बनाई फिर से इलेक्शन किए J&K में, तब वो सरकार क्या आंखें मूंद कर देख रही थी, कौन से पावर्स दिए थे उन्होंने सब फारूक अब्दुल्ला को इससे जुड़ने के लिए? तब तो ज़्यादा ही बढ़ गया था उसको पावर में लाने के बाद, जब 95 में वो फिर से दोबारा पावर में आ गया, उसके बाद मिलिटेंसी कंट्रोल में ही नहीं रही, लाशों के ढेर लगते थे, चाहे हमारे फौजी मरते थे या सिविलियन मरते थे या इनोसेंट जो मारे जाते थे, लाशों के ढेर थे। आज देखो पिछले 3-4 साल जब से 370 गया तो बिल्कुल नॉर्मल सी है। और कितनी कम्युनिटी है हमारी, टोटली गवर्नमेंट को मिसगाइड किया जा रहा है, उसमें हमारे लीडरशिप जिम्मेवार है, हमारे जो एक्टिविस्ट है चाहे सोशल है, पॉलिटिकल है या और कोई एक्टिविस्ट है, जो मिसगाइड करती है 7.5 लाख लोग कश्मीरी पंडित हैं। मैं एक मेरे पास अभी 4 मरले ज़मीन और पड़ी है कश्मीर में, मैं वो बेच कर 1 लाख रुपये इनाम दूंगा उसको जो मुझे 1.25 लाख कश्मीरी पंडित दिखाएगा। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से श्री नरेंद्र मोदी भाई से अपील करता हूं कि अब राम भी अयोध्या में वनवास के बाद इतने साल के बाद वापस 22 जनवरी को लाया जा रहा है, और मेहरबानी करके कश्मीरी पंडित का दुख दर्द जान के हमें भी राम के वनवास की तरह हमारा वनवास भी ख़त्म करो, और हमें अपनी वादी कश्मीर में अपनी रिश्वारी में बसाने की कोशिश करो। और अगर आज नहीं हो सकता है जबकि राम का वनवास खत्म हो रहा है और कश्मीरी पंडितों का राम वनवास भी खत्म करने की कोशिश करो, अगर आज भी नहीं खत्म होता है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से भी, और हमारा भगवान ही भला करेगा
कि हम कब वापस जाएंगे और कैसे जाएंगे, और हम जरूर जरूर जाना चाहते हैं, खास करके कैंप वॉस। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिएगा जेके न्यूज़ टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट काकराम के साथ समीक्षा वर्मा, जेके न्यूज़ टुडे के लिए।